आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। एक नंबर की ना बेशरम लड़की हो तुम। एक दिन में प्यार खत्म हो गया, हाँ उड़ गया प्यार। पहले तो आधी आधी करती थी, अब एक दिन में शांतनु शांतनु शुरू हो गया। वाह रोशनी, मेरा प्यार मेरा जुनून है, समझ आ रही है? और सुनो, मैं तुम्हें ना किसी और की होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं कर सकता, मैं दूर नहीं कर सकता। और अगर तुम मुझसे दूर हुई ना तो मैं खत्म कर दूंगा। वो आदि की गाड़ी है? हाँ हाँ अम्मा, वो आदि की गाड़ी है। अरे तुम्हें क्या हो गया? वो देखो बारात भी आ गई है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना आपने, तो मैं गोली चलाने से कतराऊंगा नहीं आपके ऊपर। मिसेस सिमी, आपको पता है ना आपको क्या कहना है? आपको सिर्फ इतना कहना है कि आप पीहू को निर्दोष मानती हैं, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सिमो प्लीज, मेरी बच्ची की जिंदगी तेरे हाथ में, प्लीज पीओ के हक में गवाही देना, उसे बचा लेना। सिमी, तू यहां क्यों आया? निकल यहां से। सिमी, तुम गलत कर रही हो। सिमी सिमी, हमने हमारी अनन्या खोई है, हमारी बच्ची खोई है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सिमी, अनन्या मर चुकी है और वो कभी वापस नहीं आएगी, और मैं हर चीज का इल्जाम रमन भाई और रिश्ता पर नहीं लगा सकती। आप जाओ प्लीज यहां से। परम, जय तमाशा मत करो, तुम जाओ यहाँ से। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा यहाँ से, और मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। अरे तू कैसे नहीं जाएगा? तू रमन रुक। भाई भाई, रमन इशिता किधर रह गई? अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था, सारा कुछ ठीक होएगा ना पुत्र? वो आ जाएगी माँ। अगर नादी से बस कुछ गलती ना हो जाए, प्लीज प्लीज उसे कुछ गलत मत करने देना। मुझे बहुत घबराहट है, मैंने आदि को ऐसे कभी नहीं देखा। एक तो वहाँ पे कोर्ट की हेयरिंग शुरू हो गई होगी, पता नहीं रमन अकेले कैसे हैंडल कर रहे होंगे सब कुछ। अम्मा आप प्लीज टेंशन मत लो, ज्यादा मत सोचो। सिमी बुआ है ना, उन्होंने कहा है ना वो सब संभाल लेंगी। देखना पीहू हमारे पास वापस आ जाएगी, उसने मुझसे कहा तो है, प्रॉमिस किया कि वो पीहू के हित में गवाही देगी। वो प्यार करती है पीहू से, आई एम श्योर वो उस पे आंच नहीं आने देगी, बस सब ठीक से हो जाए। कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, ये एक एक्सीडेंटल डेथ केस है। विक्टिम अनन्या और उसकी कजिन पीहू, इनफैक्ट दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। खेल ही खेल में गलती से पीहू से अनन्या को धक्का लग गया, वो गिर गई और उसे चोट लग गई, गहरी चोट, जिससे उसकी मौत हो गई। उस वक्त पुलिस केस बनने के कारण पीहू की माँ इशिता भल्ला ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि अनन्या को उन्होंने धक्का दे दिया था, और इसके लिए उन्होंने इसकी सजा भी काटी। और मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ है। ये केस वापस रीओपन किया गया क्योंकि मिस्टर रमन भल्ला और उनकी वाइफ नहीं चाहते कि उनकी बेटी पीहू इस गिल्ट में जिए कि उसने अपनी कजिन को मार दिया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इशिता भल्ला को रिलीज इसीलिए किया गया था क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं? यस योर ऑनर, मैं अनन्या के फादर मिस्टर परम खुराना की तरफ से ये केस लड़ रहा हूँ। You may proceed. Your Honor, पीहू भल्ला के इस केस में हमारे पास सबूत है जो ये प्रूफ करता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था। Of course, एक्सीडेंट था। भला एक छोटी सी बच्ची का क्या मोटिव होगा अपनी कजिन को मारने का? इनफैक्ट इसी पॉइंट को प्रूफ करने के लिए मैं अनन्या की माँ सिम्मी खुराना का बयान लेना चाहूंगा, वही आपको बता देंगी कि सच क्या है। सिमी, सिमी देख, ये आखिरी मौका है हमारे लिए हमारी पीयू को बचाने का, प्लीज प्लीज तू पीयू की गवाही दे दे, प्लीज मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं बेटा। सिमी मेरी बात को समझो, ये सब तुम्हें यूज कर रहे हैं। सिमी सच्चाई यही है कि हमने हमारी अनन्या को खोया है। सिमी प्लीज आप शांत हो जाइए, या तो आप चुप रहें या बाहर जाएं। सिमी खुराना आप स्टैंड में आइए।
मैं जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगी। हाथ छोड़ो, हाथ नहीं। चुप बैठी रहे, समझी? ये डीजल को भी अभी खत्म होना था। आदि छोड़ो मुझे, leave me, आदि, छोड़ो। समझ में नहीं आता तुम्हें? प्यार करता हूँ मैं तुमसे, रोशनी, I love you। और मैं रह नहीं सकता तुम्हारे बिना, नहीं रह सकता। आदि जो तुम कर रहे हो ना, ये प्यार है ही नहीं। ये सब तुम इसलिए कर रहे हो ताकि अपनी फैमिली के सामने जीत सको। तुम्हारा ईगो तुमसे ये सब करवा रहा है, कोई प्यार नहीं है। शांतनु को देखो, मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी उसने मुझे एक्सेप्ट किया। इसे कहते हैं अनकंडीशनल प्यार। वो मुझे हासिल नहीं करना चाहता है, उसे मेरी खुशी चाहिए, मेरी खुशी में उसकी खुशी है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, ये नहीं जो तुम कर रहे हो। अरे चुप चुप, एक नंबर की ना बेशरम लड़की हो तुम। एक दिन में प्यार खत्म हो गया? हाँ, उड़ गया प्यार। पहले तो आधी आधी करती थी, अब एक दिन में शांतनु शांतनु शुरू हो गया। वाह रोशनी, मेरा प्यार मेरा जुनून है, समझ आ रही है? छोड़ो और सुनो, मैं तुम्हें ना किसी और की होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं कर सकता, मैं दूर नहीं कर सकता। और अगर तुम मुझसे दूर हुई ना, तो मैं खत्म कर दूंगा। वो आदि की गाड़ी है? हाँ हाँ अम्मा, वो आदि की गाड़ी है। अरे तुम्हें क्या हो गया? वो देखो, बारात भी आ गई है। बस, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए ना आपने, तो मैं गोली चलाने से कतराऊंगा नहीं आपके ऊपर। जज साहब, पीहू पीहू मेरी बेटी की तरह है। मैं पीहू को उतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी मैं अनन्या से करती थी, और अनन्या की मौत का इल्जाम मैं पीहू के ऊपर लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। पीहू एक छोटी बच्ची है और उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी है, मगर मेरी बेटी भी तो छोटी थी और मैंने उसे पीहू की वजह से खो दी है। पीहू की एक गलती की वजह से मेरी अनन्या मर गई है। सिमी, ये क्या बोल रही है? इसलिए अनन्या की मौत का इल्जाम मैं पीहू पर लगाती हूँ। सिमी, क्या बोल रही है? उसे गलती से धक्का लगा था। सिमी, तू प्लीज साइलेंस, आप शांत हो जाइए। की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप प्लीज बैठ जाइए, आप कंटिन्यू करें। जज साहब, मैं अपनी बच्ची को खो चुकी हूँ, मेरी जिंदगी में अब कुछ बाकी नहीं है। मैं अपनी बच्ची के लिए इंसाफ चाहती हूँ। मेरी बच्ची कुछ करना चाहती थी, आप जैसा जज बनना चाहती थी, और उसके पापा और मैंने बहुत सारे ख्वाब देखे थे उसके लिए, उसके करियर के लिए, उसकी शादी के लिए, लेकिन हमारे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए इनकी बेटी ने। सिमी, ऐसा मत कर सिमी। ये सब इनकी पीहू की वजह से हुआ है, मेरे साथ इंसाफ करिए जज साहब। सिमी बच्ची है, सिमी पीहू बच्ची है, छोटी सी बच्ची है वो। मेरी बच्ची भी छोटी थी। पापा बोलो ना इसको, पापा। आपको लास्ट वार्निंग दी जाती है, वरना बाहर निकाल दिया जाएगा। जज साहब, अगर कोई जुवेनाइल कोई गुनाह करता है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। किसी गुनेगार को आप इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसकी उम्र कम है। नहीं, नहीं, नहीं। आप उसको क्या सजा देते हैं ये आप तय करिए। प्लीज, मुझे बस इंसाफ चाहिए मेरी अनन्या के लिए।
आप बैठ जाइए। सिमी आओ, सिमी कम। योर ऑनर, पर मिसेस खुराना, मिसेस सिमी खुराना ने अपना बयान दे दिया है और ये टेस्टिमनी एक विक्टिम की मां की है। अब इस केस में और क्या क्लैरिटी चाहिए योर ऑनर? कोई भी फैसला सुनाने से पहले हम पीहू भल्ला से मिलना चाहते हैं। पीहू भल्ला को बुलाइए। योर ऑनर, पीहू को कोर्ट के सामने लाना ठीक नहीं होगा। एक्चुअली वो इन सब बातों से काफी डिस्टर्ब्ड है। शी हैज बीन थ्रू अ ट्रॉमा। हमने उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट की है। पीहू भल्ला को कोर्ट में हाजिर किया जाए। दैट्स एन ऑर्डर। पीहू भल्ला हाजिर हो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।